तय कर रहे पंडित दौलतरा जी द्वारा विरचित मंगलाचरण तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव कार नम नमो त्रियोग संहारिके नमो हरिहंताणम नमो शेताण नमो आणम नमो उायणम नमो लोए सव साहुणम पंच परमिष्ठि भगवान की जय अगले पैतालीस मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौ बार बमकर मंत्र पढ़ लें तो हम सभी छेडाला की पांचवी ढाल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जिसमें कि अब हम बारह भावनाएं है ना जगत का स्वभाव के लिए जो बारह भावनाएं बताई हैं वैराग्य भावना भी कह सकते हैं क्योंकि इनको जितना ज्यादा चिंतन करते हैं उतना अंदर में वैराग्य उत्पन्न होता है ठीक है तो इन्हें वैराग्य भावना भी कह सकते हैं तो हमने कुछ भावनाएं ऑलरेडी देख ली थी कौन कौन सी थी वो अनित्य भावना है ना सबसे पहली जो देखी थी हमने अनित्य है कि सब कुछ यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है सब अनित्य है फिर अशरण देखी थी कि कोई भी शरण नहीं है जो मनी, मंत्र और तंत्र है, वो भी बचाने वाला मरने के समय कोई बचाने के काम नहीं आता तो हमें अपना उपाय मरण का और जन्म का खुद से करना होगा फिर संसार भावना जो यहाँ पर है वो संसार भावना जो संसार वर्ड हम यहाँ पर यूज करते हैं ना संसार में या विश्व में इस तरह से तो वो लोक भावना एक अलग भावना बताई है उसका हम आगे चर्चा करेंगे यहाँ पर संसार है हमारे अपना जो हमने जन्म मरण का संसार फैला रखा है उसको संसार है ना कभी हम कौन सी गति में जाते हैं कभी कौन सी गति में जाते हैं और दुख भोगते हैं तो वो संसार भावना तो और ये बताया कि इस संसार में या किसी भी गति में कोई भी सार नहीं है तो यहाँ पर रहना ही क्यों हम पंचम गति की तैयारी करें ना हम इन चारों गतियों में नहीं रुकेंगे तो ये संचार भावना की भाव... का चिंतन के लिए हमें टॉपिक दिया था फिर एकत्व भावना दी थी कि जो भी हमारे शुभ अशुभ कर्म है वो सब हम अकेले ही भोगते हैं हमारे साथ कोई भी नहीं है भोगने में तो हम एकत्व भावना का जब भी चिंतन करें तो ये देखें कि जो भी कर्म और पुण्य और पाप चाहे जो भी हो जो भी उदय में आ रहा है वो हमारे अंदर जो भी भाव हो रहे हैं वो हमारे कर्मों के कारण है ठीक है ना साथ ही जो सामने दिखाई दे रहा है परिवारजन दिख रहे हैं धन आदि निमित्त दिख रहे हैं वो सब निमित्त हैं लेकिन हम अकेले हैं अपने कर्म का फल भोगने के लिए फिर अन्यत्व बता दिया कि ये जो शरीर भी दिखाई दे रहा है जो आ, सा, क्लियरली दूसरा दिख रहा है वो तो एक अलग बात है लेकिन जो ये शरीर दिख रहा है ये भी हमसे अलग है ठीक है तो हमें सबको अलग मान के जैसे जल में आ, कमल भिन्न भिन रहता है वैसे ही हमें भी अपने गृहस्थी में रहते हुए अन्यत्व भावना का चिंतन करना चाहिए ठीक है कि अपनी आत्मा पर ध्यान लगाओ वो ही हमारी है फिर हमने देखा था अशुचि भावना अशुचि भावना में जो ये शरीर से हमें सबसे ज्यादा मोह रहता है उसके लिए बता रहे थे कि भाई तुम इतना मोह मत करो उसकी रियलिटी देखो क्या है कितना अपावन है ये शरीर है ना नव नव द्वार बता दिए थे घनेरे जिसमें से कि हमेशा कुछ ना कुछ बहता ही रहता है अब जाकर आश्रव भावना तो आश्रव एक तो जो एक्चुअल आश्रव होता है आश्रव हमने कहाँ पढ़ा था किन क्या आश्रव मतलब आश्रव मतलब कि बहना रिसना ठीक है किसका रिसना कर्मों का रिसना ठीक है आश्रव एक तत्व भी है है ना सात तत्वों में सात तत्व कौन से जीव अजीव आश्रव बन संबर निर्जरा और मोक्ष ठीक है तो उसी में से ही एक तत्व जो है आश्रव उसको यहाँ पर भावना के रूप में लिया कि जो हम कर्मों का आश्रव करते हैं उसके बारे में भी चिंतन करो हम क्यों कर रहे हैं कैसे हो रहा है वो आश्रव कैसे आश्रव कर रहे हैं किस तरह का पाप का आश्रव कर रहे हैं पुण्य का आश्रव कर रहे हैं ना किस तरह के कर्मों का आश्रव कर रहे हैं और क्यों हो रहा है ये आश्रव आश्रव होता है हमारे कषाय और योगों की वजह से ठीक है कषाय का मतलब क्या सभी जानते हैं क्रोध मान माया लोक मतलब कि हमारे खुद के परिणाम और उसके ऊपर अगर हम अपने परिणामों को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं मन वचन काय की क्रिया करके ठीक है तो उससे हम राइट अवे कर्मों का आश्रव कर लेते हैं आश्रव और बंद एक साथ होता है इसलिए बंद भावना को अलग से नहीं लिया आश्रव में ही उसे मान लेते हैं और जितने भी दुख का कारण है ये कर्म ही है ये बात हमने बहुत अच्छे से समझ रखी है कि आत्मा का कर्म के साथ एकमेक हो रखा है राइट right? कर्मों के कारण ही हमारा संसार है राइट right? हम जन्म मरण ले रहे हैं तो कर्मों के कारण है तो संसार में हमने पढ़ लिया अभी ऑलरेडी संसार भावना में कि किसी भी गति में सुख नहीं है तो दुख का कारण क्या हो गया हमारा आश्रव और आश्रव हमने देखा था कि आश्रव के कारण क्या है मिथ्यात्व है ना मिथ्यात्व है अविरति है प्रमाद है कषाय है और योग है तो हम कैसे कैसे भाव करते हैं उस पर डिपेंड करता है हम किस तरह का आश्रव कर रहे हैं ठीक है हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे गुणस्थान स्थान में कह लीजिए या आत्मा के गुणों में ऊपर बढ़ेंगे तो हम अपने आश्रव को कम कर लेंगे ठीक है ना तो इस तरह से हमें आश्रव भावना का ध्यान करना है तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं जो योगन की चपलाई ताते वे आश्रव भाई आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे कि जो योगन की चपलाई योगन मतलब योग है ना तीन मन वचन काय का जो योग है उसकी चपलाई उसकी चंचलता की वजह से ताते वे आश्रव भाई इसलिए आश्रव होता है यही आश्रव में कारण है आश्रव दुख कार घनेरे आश्रव जो है दुख का कारण है बुद्धिवंत जो बुद्धिमान है तिन्हें उन्हें निर्वेरे मतलब दूर करते हैं तो आश्रव के बारे में हमने जान लिया पाप और पुण्य दोनों तरह के आश्रव जो पाप क्या है बेसिकली जो आत्मा को पुण्य से बचाए है ना और आ, हमें नीचे की तरफ धकेले या संसार बढ़ाए हमारा तो वो आश्रव दुख कार है ना जब उदय में आता है तो दुख देने वाला होता है क्योंकि आश्रव खाली कुछ नहीं कर रहा है लेकिन वो जब सत्ता में हमारे बैठ जाते हैं कर्म और जब जितना समय के लिए बैठे जब वो उदय में आते हैं तो कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो हमें अच्छा फीलिंग दे अच्छा लगे वो टेम्परेरी अच्छा भले ही हम ल, मान लेते हैं लेकिन रियलिटी देखे तो कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो हमें अच्छा लगाए ठीक है ना वो सिर्फ सुखा भास है और असली सुख किसमें है हमारे आत्मा के पाने में है ना हमारे अपने स्वभाव के पाने में जो कि पुरुषार्थ से ही पॉसिबल है अच्छे जो कर्म है हमारे पुण्य कर्म है वो भले ही हमें निमित्त भले ही दिलवा दें राइट हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर दें लेकिन लेट से हमने उसमें पुरुषार्थ ही नहीं किया जैसे कि आज की डेट में देख लीजिए हम जैन कुल में पैदा हो गए हम मनुष्य बन गए हमारे आसपास भी वातावरण ऐसा है कि कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं है हमारे पास बहुत समय है कि हम खूब स्वाध्याय करके चिंतन करके अपना कल्याण कर सकते हैं लेकिन देखने में क्या आता है मोस्टली कितना सब कुछ हाथ पैर अच्छे चल रहे हैं दिमाग अच्छा चल रहा है लेकिन किस में लगा रहे हैं हम और कुछ नहीं मिलेगा तो टीवी देख लेते हैं हम शॉपिंग चले जाते हैं राइट तो हमारा चिंतन अनुकूल परिस्थिति होते हुए भी दूसरी साइड जा रहा है पुरुषार्थ है ही नहीं कि हम अपने लिए कुछ सोचें तो ये स्वाध्याय करने की जो अंदर में दृढ़ता आई है तो ये क्या है ये हमारा पुरुषार्थ है नहीं तो आप भी चाहते तो घर में कुछ भी और कार्यों में लग सकते थे है ना बहुत सारे गृहस्थी के कार्य रहते हैं तो आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते थे किसी को फोन ही मिला लें कि चलो हमें कुछ नहीं बोर हो रहा है आपसे बात कर लेते हैं राइट तो बहुत सारे डिसीजन जो है हम अपने पुरुषार्थ से लेते हैं तो उनको कर्म का उदय नहीं कहते वो कर्म के उदय से नहीं हो रहे वो हमारा पुरुषार्थ है हमारा अदरवाइज तो कभी हम इस कर्म के घेरे से निकल ही नहीं पाएंगे हम यही मानकर बैठे रहेंगे कि जब समय आएगा तब हमारे अपने आप से परिणाम ऐसे होंगे कि चलो स्वाध्याय कर लेते हैं और हम तब कर पाएंगे राइट लेकिन ऐसा नहीं है स्वाध्याय के लिए हमारी बुद्धि का अच्छा होना ये पुण्य के उदय से हो गया लेकिन हम करेंगे कि नहीं करेंगे ये हमारा पुरुषार्थ है तो आश्रव भावना हमें क्या चिंतन करने दे रही है कि जो पुण्य और पाप या जो भी हमारी लाइफ में घटित हो रहा है जो भी हम मन वचन का एक की क्रिया कर रहे हैं हम कर्म को बांध रहे हैं और कर्म आप सभी को मालूम ही होगा आठ तरह के कर्म होते हैं ज्ञान पर आवरण डालने वाला भी कर्म है है ना हमारे चारित्र मोहनीय दर्शन मोहनीय को बढ़ाने वाला कर्म भी है तो हर तरह के कर्मों से हम दिन रात भुगत रहे हैं। राइट right? हमारे अंदर किसी के अंदर गुस्सा बहुत है तो वो भी कोई कारण है हम ही ने क्रिएट किया है जब हमने आश्रव किया था तब हमने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया हमने जब अपने लिए ज्ञानावरणीय कर्म बांधा है ना उसका आश्रव किया तो ध्यान नहीं दिया हमने अपनी अज्ञानता से बांध लिए और ये सारे अब हमें दुख दे रहे हैं क्योंकि अगर हमारा ज्ञानावरण कर्म नहीं बंधा होता तो हम आज इस जगह पर नहीं होते शायद हम आज ऑलरेडी केवली हो चुके होते है ना हमने अपने आश्रम से कर्म पे आवरण बांध लिया है ना हमने अपने लिए कषाय तीव्र कषाय बांध ली कि हम आज पंचम काल में है ठीक है ना तो ये सारा चिंतन का विषय है बेसिकली तो चिंतन का विषय चिंतन करने के लिए है तो अपने को उसका यूज करना चाहिए और बुद्धिमान वर्ड यूज कर रहे हैं तो जो बुद्धिमान है वो ही ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं और कोई नहीं ठीक है तो ये जो जानकारी हमने पहले सीखा कर्म के बारे में उसके आश्रव के बारे में तो वो यहाँ पर अब चिंतन करना है ठीक है फिर संवर भावना किसी को आश्रव भावना से रिलेटेड प्रश्न तो नहीं है संवर भावना क्या है सम्वर है मतलब कि कर्मों का आना रुक जाना ठीक है अभी तक तो कर्म आ ही आ रहे थे आश्रव हो रहा था अभी हम जानेंगे कि समर क्या है कर्म का आना रुक जाना तो अब ये जरूरी नहीं है कि हर तरह के कर्म ही आना रुक जाए जिस अवस्था में हम हैं राइट है तो सारे कर्मों का आना तो वो नहीं रोक सकता लेकिन किन कर्मों को रोक सकता एटलीस्ट पाप कर्मों को है ना तो पाप कर्मों का संवर वो कर सकता है तो समर भावना में ये चिंतन करना कि जो आश्रव है अब मुझे वो आश्रव नहीं करना ठीक है अब मुझे कर्मों को रोकना है जिस विधि से भी पॉसिबल है तो क्या कह रहे हैं जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना कि जिन्होंने शुभ भाव भाव और अशुभ नहीं किए केवल आत्मा का अनुभव में ही चिंतन या मन लगाया तीन ही विधि आवत रोके संवर ही सुख अवर लोके क्या कह रहे हैं कि वही उसी विधि से उसी तीन ही से मतलब उसी से कर्मों को रोका और संवर को पाकर सुख का साक्षात्कार किया अवलोकन मतलब मिले सुख से मिले या साक्षात्कार किया अवलोकन करना देखना है ना सुख को सुख से मिलना सुख को ऐसे तो हम देख नहीं सकते सुख का अनुभव होता है राइट सुख का अनुभव किससे होता है हमारे ज्ञान गुण से राइट ज्ञान गुण जो कि हमारा अपना है तो वो कैसे होगा जब हमारी कषायों की मंदता होगी राइट हम कषाय क्या है बेसिकली हमारा चारित्र मोहनी है है ना तो जब उसको हम आना रोकते हैं तभी हम अपने असली सुख को भोग सकते हैं या उससे मिल सकते हैं तो यहाँ पर जो है जो स्थिति बता रहे हैं कि पाप और पुण्य दोनों को ही नहीं करना शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों को नहीं करना और क्या करना फिर आत्मा के चिंतन में लगना तो संवर जो है रियल संवर जो सबसे उत्कृष्ट है वो तो आ, दोनों ही तरह के कर्मों में नहीं लगना हर तरह के आश्रव को रोक देना पाप का भी का भी भी और पुण्य ठीक है जी इसका जी. मतलब शुभ कार्यों में धर्म मानते हैं वो गलत है आत्मा का चिंतन ही फिर सही है हाँ ये उत्कृष्ट बता रहे हैं ठीक है हाँ. लेकिन क्या होता है कि अगर हम दो तरह के लोग होते हैं राइट एक तो है कि बहुत साधक जिसे कह लीजिए मुनि अवस्था में है उसके लिए एक बार को धार्मिक क्रियाएं अगर वो नहीं भी करता और आत्मा के चिंतन में लगा है तो मान सकते हैं कि वो छलावा नहीं कर रहा है वो अपने सच में आत्मा के चिंतन में लगा है तो उसके लिए तो ये बात बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाती है लेकिन एक गृहस्थ है अगर हम उसे कहें कि तुम शुभ कार्य में शुभ भाव भी मत करो इज इट पॉसिबल नहीं होता नहीं हो सकता ना वेरी डिफिकल्ट है ना तो ये उनके लिए है जो उत्कृष्ट कर पा रहे हैं लेकिन अपने लिए क्या है फिर ठीक है तो ऐसा करो शुभ भाव मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ भाव तो करने हैं है ना गृहस्थ में रहकर तुम्हारे अंदर स्थिरता तो है नहीं आत्मा के चिंतन में तुम लगे रहो तुम्हारे अंदर बहुत चंचलता है तो क्या करोगे कि ऐसा करो अपने भावों को शुभ की तरफ लगाए रखो है ना मन वचन काय की क्रिया अच्छे तरह से करो जो से भी करो है ना और अशुभ से बचे रहो बचे अशुभ में क्या आ जाएगा अशुभ में पाप कर्म आ जाएंगे है ना तो अपने आप को पाप कर्मों से बचा लो तो जैसे कि मिथ्यात्व है राइट मिथ्यात्व वाला पहले गुणस्थान वाला अगर किसी तरह से अपने आप को चौथे तक ले आता है राइट किस तरह से लाता है देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान करके तत्व का श्रद्धान करके है ना उसने बात को समझा अपनी दृष्टि को सही किया कि मैं कौन हूं मुझे करना क्या है ये जो कर्म है ये मैंने बांधे हैं ये सब कुछ चिंतन करते करते लेट से वो चौथे गुणस्थान में आ गया सम्यक दृष्टि हो गया अब आप देखिए कि सम्यक दृष्टि जो है वो किस आयु में जाता है आगे चल के अगले भाव में अगर उसने आयु बंद ना किया हो और मरण समय आयु बंद किया करे तो सम्यक दृष्टि जीव सिर्फ देव आयु का बंद ही करता है ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ उसने किन तीन आयु का संवर कर दिया बाकी की तीन का संवर कर दिया ना रोक दिया उन्हें ठीक है तो इस तरह से जो हम जितना पॉसिबल हो सके हम पाप प्रकृतियों को रोक सकते हैं और अपने आप को शुभ भावों से पुण्य का संचय कर सकते हैं ताकि ये पुण्य एटलीस्ट आज हमारी क्षमता नहीं है लेकिन कभी तो हमारे अंदर क्षमता होगी और हम पुण्य से अपना कल्याण कर पाएंगे ठीक है तो और यहाँ पर क्या कह रहे हैं संवर भावना है ये संवर भावना का मतलब क्या है आपको इस बारे में सिर्फ चिंतन करना है हाँ। कि संवर किस तरह से हमारे लिए कल्याणकारी है ठीक है ना हो सकता है कि हम जिस समय चिंतन कर रहे हो हम बैठे हैं बस हमें ये मान के चलना है कि नहीं नहीं मैं चिंतन में बैठा हूं मुझे शुभ भाव भी नहीं करने अशुभ भाव भी नहीं करने मुझे क्या करना है आत्मा का चिंतन करना है तो आत्मा क्या है आत्मा के बारे में और ज्यादा सोचना है ना उस टाइम बैठकर तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर भी हम उन पाप कर्मों का संवर कर रहे हैं जिस जिस समय पर हम अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं उतनी उतनी देर हम अपने पाप प्रकृतियों का संवर ऑलरेडी कर रहे हैं ठीक है ना भले ही पुण्य का संचय कर रहे हैं पुण्य का आश्र हो रहा है लेकिन पाप प्रकृतियों का संवर हो रहा है तो इसलिए बारह भावनाएं हमारे भले ही हमने कुछ नहीं किया जबकि अगर आप तत्वार सूत्र जी पढ़ेंगे तो संवर का कारण क्या बताया गुप्ति समिति है ना दस धर्म प्रेक्षा और परिचय जय चारित्र तप कितनी सारी चीजें बताई उसमें से हम क्या कर पाते हैं श्रावक हम कुछ भी नहीं करते सब चीजें लिए मुनि महाराज के लिए। क्योंकि वो ही आत्मा का चिंतन कर पाते हैं इसलिए जो एग्जीक्यूशन है संवर का असली जो है वो मुनि महाराज कर पाते हैं लेकिन मुनि महाराज के लिए भी गुप्ति जो है सबसे उत्कृष्ट है अगर गुप्ति में ना रह पाए तो मन वचन काय की गुप्ति में ना रह पाए तो उनके लिए बता दिया कि समिति में रहो समिति में नहीं रह पा रहे उत्तम धर्म में रहो दस धर्मों में उसमें भी नहीं रह पा रहे तो अनुप्रेक्षा सिर्फ चिंतन करो ठीक है ना तो हर एक का ध्यान रखा है हर एक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने ये सूत्र जी बना दिए और श्रावक के लिए क्या कह दिया कि बारह भावना में शंबर भावना का चिंतन करो सिर्फ तो उतना ही तुम्हारे लिए बहुत है कि तुम आत्मा के चिंतन में तो स्थिरता से नहीं बैठ पाओगे लेकिन भावना का चिंतन तो कर ही सकते हैं ना कि संवर होता क्या है, आ, है ना हम उसमें ध्यान लगा सकते हैं कि गुप्ती समिति अनुप्रेक्षा आदि ये सब में कर्मों का आना रुक जाता है तो इस तरह से कुछ भी चिंतन करिए है, है ना संवर जो तत्व बताया है उसके बारे में चिंतन करना ही संवर भावना है ठीक है थैंक यू चलिए अब हम देखेंगे निर्जरा भावना है ना तो इनका एग्जीक्यूशन अलग चीज है और इनके बारे में चिंतन करना अलग चीज है सोचिए सिर्फ इन भाव तत्वों के बारे में सोचने मात्र से हम कर्मों का संवर कर पा रहे हैं है ना हम पुण्य कर्मों का बंद कर पा रहे हैं आश्रव कर पा रहे हैं तो इसलिए बारे भावनाएं हमारे श्रावक के लिए बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि दिन भर हमारे लिए क्या चीजें परोसी जाती हैं जैसे टीवी है या फ्रेंड्स हैं ये सब क्या है ये हमें विषयों की तरफ लेके जाते हैं ठीक है हम अपने आपस में कंपैरिजन करते हैं कि उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है तो ये सब क्या है वर्ल्डी चीजों का कंपैरिजन हम कभी धर्म में कंपैरिजन नहीं करते कि भाई उसने ये चीजें छोड़ दी मुझे भी छोड़नी है उसने इतना परिमाण ले लिया अपने मुझे भी लेना है उसने इतने उपवास करे मुझे भी करने हैं हम कभी नहीं करेंगे लेकिन हम वर्ल्डली चीजों में कंपैरिजन करते हैं है ना तो ये बाकी की बाह्य चीज़ें क्या है हमें वर्ल्डली चीज़ों की तरफ लेके जाती हैं विषयों की तरफ लेके जाती हैं तो ये चिंतन जो है ये बारह भावनाओं का जो चिंतन है वास्तविकता से हमें अवगत करा के हमें उससे इंट्रोड्यूस करता है और बार 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 करने को बोला है ना अनुप्रेक्षा क्या है बार-बार बैंगिंग बार करना क्योंकि क्या होगा एक दिन की आपने चिंतन लेट से नेक्स्ट डे आप फिर से उसी में डल जाओगे जो डेली के आपका कार्य था तो अनुप्रेक्ष एक चीज अनुप्रेक्षा क्या हुआ अनुप्रेक्षा बेसिकली बार-बार किसी चीज का चिंतन करना एक बार नहीं बार-बार है ना तो आप यह मान लीजिए कि आपके डे टू डे की लाइफ में आपने इन बारे भावनाओं में से किसी भी एक भावना को लेकर और उसपे सोचना शुरू कर दिया नहीं तो चाहते तो एक भावना भी दे सकते थे ना एक ही के अंदर सब कुछ डाल देते अब अगर अगर आप देखें तो अगर हम संसार भावना ही ले लेते हैं राइट या आश्रव भावना ही ले लेते हैं तो एक ही भावना बहुत थी सब कुछ बताने के लिए लेकिन बारह रखी ताकि आपको विषय ज्यादा मिले ठीक है तो आप डिफरेंट डिफरेंट विषय को उठाकर इजीली अपने चिंतन को जगत का स्वभाव से कि जगत का स्वभाव मतलब संसार का स्वभाव कैसा है है ना और शरीर का स्वभाव कैसा है तो यह सब बताने के लिए बारह भावनाएं रखती ठीक है ना तो अब इसमें निर्जरा भावना निर्जरा भावना देखते हैं निज काल पाय विधि झरना तासो निज काज न सरना तप करी जो कर्म खिपावे सोई शिव सुख दर्शावे क्या कह रहे हैं निज काल जो अपना अपना समय पाकर ठीक है निज काल मतलब समय आने पर है ना जो विधि झरना विधि मतलब कर्मों का झड़ना नष्ट होना तासो निज काज न सरना कि उससे उससे अपना काम नहीं सरता सरना मतलब सरना जैसे कोई फायदा नहीं है जो अपने आप समय आने पर अपने कर्म का फल देकर चली जाए झड़ जाए कर्म नष्ट हो जाए उससे हमारा काम नहीं चलता है ना वो क्या है अकाम निर्जरा ठीक है ना वो क्या है सविपाक निर्जरा या अकाम निर्जरा कहें, एक ही बात है फिर क्या कह रहे हैं तप करी जो कर्म खिपावे सोई शिव सुख दर्शावे कि तप के द्वारा तप के द्वारा जो कर्म का नाश किया जाता है खिपावे नाश करना तप के द्वारा जो कर्म का नाच किया जाता है वह शिव सुख दर्शावे वही मोक्ष का सुख देने वाली होती है क्योंकि क्या है देखिए यहाँ पर दो चीजें बता दी राइट कर्म का झड़ना जरूरी है ठीक है आत्मा से कर्म दूर नहीं होंगे तो हम आ, इसी तरह से जन्म मरण जन्म मरण करते रहेंगे तो कर्म का हमसे दूर होना जरूरी है तो कर्म का दूर होना दो प्रोसेस हैं एक तो नेचुरल प्रोसेस कि जब कर्म का उदय आया राइट उसका जितने समय तक उदय चलना था चला अपना फल उसने दिया और फिर फल देने के बाद वो कर्म के जो परमाणु होते हैं कर्म वर्गनाएं होती हैं वो अपने आप उनमें जो अटैचमेंट करने की जो पावर थी वो खत्म हो जाती है और वो हमसे अलग हो जाते हैं ठीक है फल देने के बाद कर्म कह लीजिए उनमें शक्ति नहीं रहती और वो हमसे दूर हो जाते हैं ये तो हो गया प्रोसेस एक है कि कर्म अभी उदय में नहीं आया था अभी सत्ता में ही पड़ा है बैलेंस में ही है ठीक है हमने क्या किया तपस्या करी तपस्या पारे तप के बारे में हमने थोड़ा सा समझा था अभ्यंतर तप और बाह्य तप ठीक है तप से जब हमने कर्मों को क्या किया जो सत्ता में पड़े हुए थे बैलेंस में कर्म थे हमने उनको वही सत्ता में नष्ट कर दिया उदय में आने से पहले ठीक है तो जो उदय में आने से पहले हमने उन्हें नष्ट कर दिया वो जो आ, निर्जरा है राइट वो निर्जरा हमारे आ, मोक्ष में कारण है साधन है मोक्ष का साधन है क्योंकि पहले वाली निर्जरा में क्या हुआ कि हम हमारे कर्म वो वाले कर्म तो जड़ गए लेकिन हमने क्या किया नई कर्म और बांध लिए लेकिन जब हम तप से निर्जरा करते हैं तो नए कर्म उस समय नहीं बंधते ठीक है ना जो या जो ज्यादा बंधे हुए हैं जो सत्ता में है उनका झड़ना ज्यादा होता है नष्ट होना ज्यादा होता है बजाय आश्रव करने के ठीक है ना नए कर्म कम बनते हैं और ज्यादा से हम तप से सत्ता में पड़े हुए कर्मों को झाड़ देते हैं खत्म कर देते हैं तो आप पूछेंगे कि सत्ता में जो झड़े तो आश्रव हुआ तो फिर बंद कर लिया हमने राइट तो मन वचन काय की क्रिया जब तक है और कशाएं जब तक है तब तक आश्रव तो होगा है ना लेकिन तप कितना स्ट्रॉन्ग है हमारा उस पर डिपेंड करेगा हम कितने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं ठीक है ना तो हमने जो जाना था तपस्या करते हैं मुनिराज है ना बाह्य तपस्या शरीर को कष्ट देने वाली और अंतरंग तपस्या दो तरह की होती है तप है ना तो तपसा निर्जरा ऐसा बताया ना तत्वार में कि तप से निर्जरा होती है है ना और इच्छा निरोध तप ये भी बता दिया कि इच्छा से का निरोध करना तप है मतलब इच्छा कैसी इच्छा संसार बढ़ाने की इच्छा अगर उस इच्छा का निरोध कर दे तो वो अपने आप में तप है ठीक है तो जैसे प्रायश्चित आदि करते हैं है ना अपना प्रतिक्रमण करते हैं या प्रत्याख्यान करते हैं कायोत्सर्ग करते हैं ये सब क्या है तप में लिया और क्या लिया ध्यान को तप में लिया है ना ध्यान से हम अपने कर्मों को झाड़ सकते हैं ठीक है ना तो इस तरह से निर्जरा की दो तरीके बता दिए अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा राइट अकाम निर्जरा Uh, से कुछ भी हमें फायदा नहीं है है ना हम नए कर्म साथ के साथ बांधते रहते हैं और सकाम निर्जरा जो है वो ही हमारे मोक्ष में कारण है निकाचित कर्म तो भुगतने ही पड़ते है ना लेकिन हाँ निकाचित कर्म भुगतना ही पड़ता है वो एक अलग बात है कि जिन बिंब के दर्शन से निकाचित कर्म का भी आ, को भी तोड़ा जा सकता है ऐसा बताते हैं अब वो कितना कर्म की अवस्था पर कितना सत्ता पर इफेक्ट डाल रहा है वो तो केवली भगवान ही जानेंगे लेकिन कहा है तो हम ये मानते हैं कि हाँ भी हम तोड़ सकते हैं। कि... तो ऐसा पढ़ा था कि भुगतना ही पड़ता हैं हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में भुगतना ही पड़ता है लेकिन उसको भी कहीं कहीं ये बताया है कि जिन बिंब के दर्शन से निदत्ति निकाचित कर्मों को भी काटा जा सकता है अच्छा। थैंक यू। ठीक है ना तो जो शांति पूर्वक निकाचित कर्म हाँ निधति निकाचित कर्म कर्म की अवस्था है बेसिकली इस तरह के उनकी इस तरह की टाइप हो जाए कर्म की जब उनके जब कर्मों को जैसे हमने Uh, समझा है कि कर्म को हम बढ़ा घटा सकते हैं कर्म के फल के प्रभाव को है ना कर्म के फल के प्रभाव को घटा बढ़ा सकते हैं उनमें परिवर्तन कर सकते हैं तो जो कुछ टाइप के कर्म होते हैं जिनको कि निधत्ति निकाचित कहते हैं उस तरह के कर्म अगर बांध लिए तो उनको घटा बढ़ा नहीं सकते जैसे कि फॉर uh, एग्जाम्पल सीता के, के केस में राइट right? या अंजना सती के केस में हमने देखा था कि जिन प्रतिमा को बाहर फिकवा दिया, राइट? तो उस समय जो कर्म बांध लिए, तो वो निदत्ति निकाचित कर्म बांध लिया, और अब वो कर्म उन्हें भुगतना ही पड़ा, ठीक है ना? उस कर्म को ऐसा नहीं कर पाए कि उसको किसी तरह से वो काट देते, जैसे अंजना सती, हाँ अंजना सती सीता सती है ना सभी ने कर्मों को कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जो भोगने ही पड़ते हैं तो वो निदत्ति निकाच है सुधा सुधा जी ने प्राचीत एक मिनट सुधा जी ने पहले हाथ रेज किया था या जय जी, 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 जी ने चारू जी मैंने लाइक बन, जो बंधे हुए कर्म जो उदय में आए और हमने भोग लिया तो ये कर्म फिर से उदय में आ सकते नहीं जो हमने भोग लिए वो खिर जाते हैं खिर जाते हैं तो नष्ट हो जाते हैं right. तो हम उसे दोबारा नहीं भोगते वो हमारी सत्ता से हमारे से अलग हो जाते हैं वो एक mm -hmm. अलग बात है कि हमने जो मन वचन का एक क्रिया करी जैसे फल भोगते समय हमारे क्या परिणाम रहे हमने दुखी mm -hmm. होके भोगे सुख से भोगे शांत परिणाम से भोगे है ना उस भी mm -hmm. डिपेंड करेगा हो सकता है हमने बहुत दुखी होके भोगे दुख देने वाला कर्म आया था और हमने फिर से दुख मतलब दुख फील कर लिया तो जो नया कर्म बनेगा वो भी फिर से दुख देने वाला होगा तो ये फिर से बन सकते हैं फिर से हम बांध सकते हैं लेकिन सेम कर्म पार्टिकल होगा वो ऐसा नहीं है ओके ओके है ना सेम कैटेगरी का सेम क्वालिटी का कर्म हम फिर से बांध लें और वो फिर से उदय में आ जाए और आपको वो ही दुख दोबारा दे दे तो वो पॉसिबल है लेकिन सेम कर्म वही के वही फल देने के बाद हमारे साथ ही रुके रहते हैं ऐसा नहीं ओके ओके थैंक यू जैसे कि हम लोग वेदनीय कर्म हैं ना जब हाँ। तो हमें ऐसा लगता है अरे बाबा मेरे साथ क्यों ऐसा हाँ। होगा हो ना हाँ। मेरे 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 ये असाता कर्म का ये हुआ है कब हो जाएंगे हाँ। तो और भी दुखी होने से असाधा कर्म और भी हम बांधते हैं भुगतते हाँ, हुए याँ, और 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 भी बांधते हैं तो ए, ए, दुख, दुख शोक ताप आक्रंदन अगर आपको याद हो तो दुख हाँ, मानना है ना तो दुख मानना भी दुख का बांधने अगले कर्म जो हम बांधेंगे वो दुख का बांधेंगे शोक जो हम दुख बांध लेते हैं लंबे समय तक दुखी हुए रहते हैं किसी के परिजन के जाने के बाद भी हम बहुत बार बार याद कर करके शोक करते हैं राइट दुख शोक ताप आक्रंदन जोर जोर से रोना दूसरे दूसरे का दिल भी पिघल जाए इस तरह से रोना ये सब क्या है ये सब अपने ही दुख को देने का कारण है भले ही हमारी वजह से हम दूसरा दुखी हो रहा है लेकिन हम खुद दुखी हो रहे हैं इसका मतलब हम अपने लिए कर्म बांध रहे हैं तो भगवान के सामने आप हम बोलते हैं कि शायद कि हम पश्चाताप करके हाँ जी। हम तो क्या ये उसके लिए क्या होता है कि भगवान के सामने बोलते हैं कि हाँ? मेरा कर्म उदय में आया है तो मैं पश्चाताप तो कर रही हूँ हाँ हाँ तो उसमें हाँ बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारे अंदर में एक दुख की फीलिंग भी रहती है राइट तो लेकिन अगर आप बारीकी से देखेंगे एक दुख का उदय जब आता है और उसमें हम भोग रहे हैं उसे दुख मान रहे हैं ठीक है और अपने आप का लाइक हमारा निमित्तों की ओर ध्यान जा रहा है कि देखो उसकी वजह से ये हो गया देखो अब मैं इसके बिना कैसे रह पाऊंगा कॉन्स्टेंटली so, हम निमित्तों की तरफ सोच सोच के और दुखी हो रहे हैं तो वो दुख जो है वो हमारे आश्रव का आ, साता कर्म के आश्रव का कारण बनता है ठीक है और अगर हम इस तरफ ध्यान दें कि देखो ये कर्म मैंने बांधा था ठीक है ना इसलिए ये दुख मुझे आज भुगतना पड़ रहा है ठीक है भले ही हम उस दुख का एहसास तो कर रहे हैं लेकिन हम उसमें दुख मान रहे हैं ये जरूरी नहीं है नहीं, दुख नहीं, को एक्नोलेज करना और दुख में दुखी होना ये दो चीजें डिफरेंट हैं तो जब हम प्रायश्चित करते हैं भगवान के सामने जाकर बोलते हैं उस समय हम दुख में दुखी नहीं हो रहे होते क्योंकि हम क्या कह रहे होते हैं भगवान ये मैंने ही कुछ बांधा था उदय में आ रहा है और मैं प्रायश्चित लेता हूँ कि मैं आगे से ऐसा काम ना करूं अपनी आत्मा के लिए right, right, right. ना तो इसलिए बहुत yeah. बहुत ही अच्छा चिंतन का विषय है ये कि हम ये देखें कि हम दुख में दुखी हो रहे हैं या दुख को एक्नोलेज कर रहे हैं कि हाँ मैं दुखी yeah. तो हूँ लेकिन किस लिए दुखी हूँ नजर किस तरफ जा रही है मेरी दूसरों की तरफ या ये जो निमित है ये भी तो मैंने ही इकट्ठे किए हैं है ना इस तरह से अगर दृष्टि जा रही है तो फिर हमारे आश्रव जो होगा वो पुण्य का आश्रव होगा क्योंकि वो क्या हो जाएगा वो हमारे आश्रव भावना में आ जाएगा कि हमने आश्रव किया था ये है ना तो ये आपके बारे भावना का चिंतन हो जाएगा वहां पर समझ रहे आप कितना हाँ। बड़ा डिफरेंस हाँ। है दुख में दुखी होना या दुख को एक्नोलेज करना लेकिन कभी क्या होता है कि दुख में ऐसे समझते हैं सब कुछ जानते हैं तो भी ज्यादा दुख हो जाते हैं तो 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 ये हाँ। उसके उसके लिए लिए तो कर्म कर्म बंद बंद होगा होगा ही होगा, है ना इसमें इसमें पॉसिबिलिटी क्या है क्योंकि हम कमजोर हैं ठीक है थीके? हम कमजोर किस सेंस में है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है कि चाहते हाँ। तो हम अपने आप को सब कुछ समझा सकते हैं है ना बैठ जाओ स्वाध्याय करने और अगर बारह भावना का स्वाध्याय करने बैठ जाओ तो हमारे पास सारा विषय है अपने आप को समझाने का है ना आचार्यों ने ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा कि हमें अपने आप को कहीं से भी बेचारा फील करना पड़े कमजोर फील करना पड़े लेकिन हमने अपनी स्थिति ऐसी बना रखी है कि हमें लगता है कि हमारा कोई सहारा नहीं अब हमें तो दुखी होना ही पड़ेगा है ना ये सब ऐसा फीलिंग में आता है कि अरे हमारे पास तो कोई उपाय है ही नहीं दुखी दुख आया है तो हमें दुख मानना पड़ेगा ऐसा है ना कहीं से भी कोई सुझाव नहीं मिल रहा हमें कोई उपाय नहीं नजर आ रहा क्या करूं कहां जाऊं और फिर हमारा दिमाग कहाँ जाता है निमित्तों की तरफ जहां निमित्त की तरफ दिमाग गया समझिए वहीं हमारा असाता का बंद होना शुरू हो गया जब तक हम अपने उपादान में ढूंढ रहे हैं कि हमने ऐसा क्या किया था ना, तब नहीं, तक तो ये समझ लीजिए कि हम बारह भावना का चिंतन करे आश्रव भावना ठीक है ना और जहाँ हम इस so तरफ देखने लगे तो समझिए आस हमने आश्रव कर लिया मान लिया थैंक यू सो मच दुख को मानना और दुख को एक्नॉलेज करना इसमें क्या क्या मतलब हाँ, हो है जो अभी सुधा जी ने बोला ना कि जैसे हाँ आपके पास कभी आप अपना एग्जाम्पल याद करिए हाँ आप बहुत परेशान थे ठीक है परेशान होना क्या है बेसिकली परेशान होना दुख मानना है अपना दुख मानना है हमने दुख को भोग लिया ठीक है और यही तकलीफ का समय आया राइट लेकिन हम इतना अवेयर रहे कि दुख लेट से बहुत ज्यादा बड़ी तकलीफ देने वाला था राइट लेकिन आपने अपनी अवेयरनेस से उसको एक्नोलेज किया दुख को कि हाँ ये मेरा समय बहुत खराब चल रहा है ठीक है कि ये मेरी नहीं करम नहीं करम थे ही आए। मेरे ही कर्म थे मैंने ही कुछ ऐसा किया था ठीक है ना तो अब दुखी होने से क्या फायदा जो है सो है है ना कि मैं इसको हैंडल करूं इसको डील करूं, इस तरह से चिंतन करना इसलिए करना चिंता इसल... और चिंतन में समझ आ गया ना हाँ। yeah. चिंता करना या चिंतन करना दोनों हमारे हाथ में है जब दुख को भोगते हैं तो चिंता करते हैं और जब हम अवेयर होते हैं दुख को सिर्फ एक्नोलेज करते हैं तो हम चिंतन करते हैं और उस समय हम पुण्य का बंद करते हैं okay. एक बार तो दुख हो ही जाता है फिर उसके बाद भले अपन सोच रहे हैं हाँ तो वो कुछ नहीं कर सकते पूर्णिमा जी वेरी नेचुरल क्योंकि हमारी प्रैक्टिस उसी की है ठीक है ना अगर हम हर समय अपने आप को एक जीव तत्व देखें है ना अपने आप को शरीर से अलग माने तो आप देखेंगे कि कर्म का बस खेल चल रहा है आपने एक गेम में अपने आप को जैसे एक मेज होता है ठीक है ना मेज में एक पर्सन फंसा है राइट right? और रास्ता ढूंढ रहा है एक तो शांत भाव से रास्ता ढूंढ रहा है उसे पता है कि मैं खुद घुसा था इस मेज में ठीक है और एक ये मान के घुसा हुआ है कि अरे मेरे को धक्का मार दिया था मैं तो आ गया यहाँ पर उसको यही नहीं रियलाइज हो रहा है कि उसकी मर्जी के बिना वो कभी उस मेज में नहीं जा सकता था वो क्या कर रहा है दूसरों पर इल्जाम लगा रहा है अच्छा, दूसरों, दूसरों पर निमित कर रहा है ठीक है ना दूसरों का निमित मान रहा है का। तो निकलना दोनों को है ठीक है आ, और एक दुखी होके उसमें घूम रहा है मेज में और एक कह रहा है कि नहीं मुझे ही निकलना है मैं नहीं घुमा ही तो घुसा था है ना और अब निकल घुसा हूं तो निकलना भी मुझे ही है तो सिर्फ चिंतन का फर्क है आ, तो शिल्पा जी आप पूछ रहे हैं कि या क्या ये भेद विज्ञान है तो ये भेद विज्ञान तो नहीं है ठीक है ये भेद विज्ञान से थोड़ा लोअर लेवल कह है सकते हैं भेद विज्ञान अगर हम उसको मानते हैं कि आत्मा अलग और शरीर अलग ठीक है तो वो तो चिंतन कुछ भी नहीं हो करते हैं नहीं। तो वो चिंतन हम कह सकते हैं अन्यत्व भावना में ठीक है उस समय जब हम चिंतन करते हैं कि सब कुछ मुझसे अलग है तब वो कह सकते हैं भेद विज्ञान ठीक है अभी हम किस बात की बात करें निर्जरा की निर्जरा कि हमारे साथ जो भी परिस्थितियां बन रही हैं हम उनको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं ठीक है परिस्थितियां तो कांस्टेंटली बनी हुई हैं 24/7 कुछ ना कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है तो ये घटित किस लिए हो रहा है हमारे साथ कर्म की वजह से तो जो सुख और दुख का वेदन हमें हो रहा है हम उसे कैसे हैंडल कर रहे हैं और फिर साथ ही साथ दूसरी चीज बता दी कि अगर चाहते हो कि ये कर्म शिव सुख तक पहुंचा दें मोक्ष तक पहुंचा दें तो इससे काम नहीं चलेगा कि सिर्फ तुम सुख दुख का वेदन करते रहो और कर्मों को झाड़ते रहो क्या करो तपस्या करो तपस्या में अंतरंग बाह्य जो कहते हैं ना वृत्ति परिसंख्यान और काय कलेश है ना उपवास व्रत उपवास तो ये सब क्या है ये सब अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना इच्छा निरोध तपा ठीक है तो अपने आप को अंदर में देखना कि हमारे अंदर क्या इच्छाएं चल रही हैं किस तरह की इच्छाएं संसार बढ़ाने की इच्छा है या हमारे को मोक्ष जाने की इच्छा है है ना तो इच्छा का निरोध करना कौन सी इच्छा का निरोध करना जो संसार बढ़ाने वाली इच्छाएं हैं उनका निरोध करना तप तप है है ठीक है? तो उस तप को हम करते हैं हमें बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है कि हम याद रखें बारह तप कौन से हैं हम सिर्फ अपने अंदर झांक कर देख लें कि हमारे परिणामों में जो इच्छा है वो कैसी इच्छा चल रही है हमारे को करियर में आगे बढ़ना है बच्चे अच्छा कर जाएं, हमारा घर बड़ा हो जाए हमारे को भोग मिल जाए है ना ये सारी इच्छाएं चल रही हैं तो समझिए आप समझ सकते हैं कि ये हमारी इच्छाएं कैसी हैं, संसार बढ़ाने वाली इच्छाएं हैं। तो क्या इसको तप कह सकते हैं अगर हम इन इच्छाओं का निरोध करें तो यस हम इन्हें तप कह सकते हैं ठीक है ना तो वो जब हम ऐसा करेंगे तो उस परिणाम स्वरूप हमारे अंदर जो बंधे हुए कर्म है उनकी भी निर्जरा हो जाती है वो हमारे हमारी आत्मा या हमारे को छोड़ देते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे कि जब मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि होता है ठीक है तो एक प्रोसेस है ठीक है उस प्रोसेस में जो उस मिथ्या दृष्टि जब सम्यक दृष्टि बना ठीक है उसने अपना मोक्ष का रास्ता कंफर्म कर लिया ऐसा बोलते हैं राइट उसने अपना अनंत काल जो था अर्धपुतकल परावर्तन में कन्वर्ट कर लिया ये भी सुना होगा तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब क्या है कि उसने जो सत्ता में उसके कर्म पड़े हुए थे ठीक है ना उनको कम कर दिया तो उस समय उसने अपने कर्मों की निर्जरा कर ली तब जाके तो वो सम्यक दृष्टि हुआ है ठीक है इस तरह से हम ऐसा मत मानिए कि हम ग्रस्त है तो हम निर्जरा नहीं कर सकते है ना हम छोटे छोटे तप लेकर कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते तो उनके फल देने की शक्ति को तो कम ज्यादा कर ही सकते हैं है ना अभी कोई कर्म आ रहा था बहुत तकलीफ देने वाला कर्म था लेकिन हम अपने तपस्या से लेट से हमने तकलीफ देने वाला कर्म था कि हमें बहुत भूख असहनीय भूख थी लेकिन हमने तब क्या ले लिया कि हमने दो घंटे तक अब हम खाने का नाम भी नहीं लेंगे या हम रेस्ट ऑफ द डे खाने का नाम भी नहीं लेंगे तो ये छोटे छोटे तब से उस तकलीफ को जो भूख लगने वाली तकलीफ थी असाता का उदय में ही तकलीफ होती है, है ना तो अपने उस असाता के उदय में हमने क्या किया अपने ऊपर कंट्रोल करके इच्छा का निरोध करके हमने अपने तकलीफ को कम कर लिया ठीक है तो इस छोटे छोटे इस तरह से हम अपने अंदर निर्जरा भावना की भावना भाएं चिंतन करें कि क्या कर सकते हैं हम अपनी लाइफ में तपस्या किस तरह की तपस्या कर सकते हैं ठीक है तो इसका चिंतन करना निर्जरा भावना ठीक है किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर हाँ चारू जी, जी. आ, एक जो बारह भावना है उसमें से पहले सिक्स तो भावनाएं भेद विज्ञान का चिंतन ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना उसको हाँ वो और आगे की शरीर से, से लेकर ले है जो, हाँ, जो पहली हाँ, की कर है, है, शरीर से है और बाद की जो ले ले है ले वो ले जगत ले है। से लेकर है हाँ एंड बाकी के सिक्स है बाकी के वो तत्व चिंतन के बारे में हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही है अच्छा जी जी अपन जो ये भूख वगैरह का जो तप कर लेते हैं भी अपन को ऐसे नहीं करना है पन को त्याग करना है बहुत तेज भूख लगी लग अपन वो कर लेते हैं हाँ। लेकिन अपने घर में से जैसे कोई आदमी नहीं है और वो सारे काम उसके द्वारा ही होते थे तो वो बहुत याद आते मतलब हर वक्त याद रहते हैं नहीं। हटते नहीं आती कौन सा पाप कैसे करें इसको हाँ। इसे मन में से हटाए वो नहीं हो पाता है, हाँ। तो ये क्या है? शोक है बेसिकली किसी को याद कर हाँ। करके दुखी हाँ। हाँ। फील करते रहना कि कॉन्स्टेंटली एक कमी को हाँ। फील करना है ना हाँ। कि ये हाँ। होते तो शायद कुछ ऐसा करते ये हाँ। होते तो हाँ। शायद ये करते ये होते तो ना कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक इष्ट वियोग हो गया है ना तो उसके बारे में सोचते रहना तो देखिए ये है तो आर्थ ध्यान ठीक है और आर्थ ध्यान क्या है अच्छा ध्यान नहीं है हमारे लिए हाँ। हाँ, तो वो आप, कैसे करें। क्या? हाँ उसके हाँ, लिए जो आपके पास है ठीक है उसकी वैल्यू समझिए हाँ, अच्छा, आपके पास अच्छा शरीर हाँ, है अच्छा दिमाग है ठीक है हाँ, और आपके हाँ, जो परिवारजन और जो हैं आपके आसपास हाँ, उनको समझिए उनको पॉजिटिव बेसिकली सोचिए कि अच्छा, भाई ये तो है मेरे पास एक नहीं है तो क्या हुआ ये तो है है ना? हाँ, शरीर तो अच्छा चल रहा है ना दिमाग हाँ, तो अच्छा चल रहा है अब मुझे क्या मेरी तो उम्र हो गई है मुझे हाँ, तो अब आत्मचिंतन में लगना है अच्छा हुआ हाँ, देखिए आपको एक हाँ, बहुत बड़ी बात बोलूं कि अच्छा, आयनो अच्छा, कि इष्ट जन का वियोग बहुत तकलीफ देह होता है और स्पेशली अगर वाइफ है तो हस्बैंड और हस्बैंड है तो वाइफ बिल्कुल लेकिन उस समय पर अगर आप ये चिंतन करें कि अच्छा hmm. है मैं मोह करने से बच गई yes. ये साथ hmm. में रहते तो मुझे कॉन्स्टेंटली गृहस्थी के विचारों में ही फंसे रहना पड़ता अब hmm. मुझे क्या है hmm. कि मुझे अपनी आत्मा कल्याण के लिए एक रास्ता मिल गया मैं बिल्कुल फ्री हो गई मैं किसी से बंधी नहीं हूँ ठीक है ना Achha. इस तरह का चिंतन आप कर सकते हैं परिस्थिति ah. के अनुसार मुझे नहीं मालूम कि आपका लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि वो ही ब्रेड अर्नर था राइट right? और अब आपको हाँ। नहीं मालूम कि आप कैसे परिवार को चलाएंगे तो वो हाँ। परिस्थिति डिफरेंट है डिफरेंट है जैसे कोई काम अपना नहीं हो रहा है तो उसको भी हो जाता हाँ। अब नहीं हो रहा है, तो हाँ। थोड़ा तो उससे जितना जल्दी हो जाए सामंजस्य हाँ। से बना लें कि ठीक है हाँ।, हाँ कि भाई ऐसा ही लिखा था ऐसा होना था हो गया अब मैं इसमें जो मुझे लाइफ बाकी की लाइफ है उसमें कैसे इसे अच्छे से बिता सकते हूँ आ, जो मैं सब लोग हैं तो... मैं बोलूं। कुछ? हा, 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 मैं ले मैं ले मैं किया दिक भार? दिक भार? दिक भार? कुछ? एक मैं कुछ कुछ जैसे भगवान एक 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 के के लिए लिए फिर हाथ किया सॉरी मिनट चारू प्लीज ये आज भेज दोगी क्या रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ कोई आ गया तो मैं पूरा प्रॉपरली नहीं बिल्कुल बिल्कुल मजा नहीं आएगा ठीक है मैं चलती हूँ पूर्णिमा जी हाँ। आप कुछ कह रहे हैं हाँ, ये बोल रही थी कि अगर आप ये सोचो कि कुछ अच्छे के लिए भगवान ने आपको छोड़ा है मतलब कुछ काम आपको करना है कुछ अच्छा काम तो हाँ। आप उसको मत दुखी 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 आप अगर हो तो सोचो कि वो दुखी होगा इंसान हाँ, आपको हाँ। आपको वो... अपने कर्म नहीं बांधना ये दुख माना के इसमें आपके कर्म बनते जाएंगे बनते बिल्कुल तो अपने को तो भगवान ने कुछ करने दिया अपना आज ही कर पाने धर्म सोचो नहीं तो अपन कर नहीं अपना ध्यान ही नहीं जाता इसमें अपन हाँ। अपने उसी में लगे रहिए सोचो बहुत बड़ा अच्छा सोचो तो अच्छा है अच्छा। हाँ पूर्णिमा हाँ। जी इसमें आपको एक करेक्शन थोड़ा सा रखना हाँ। है कि हाँ।, हाँ, जब हम इतना स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमें ये भी मानना है कि जो जीव हमारे पास से गया उसने हाँ। कहीं और जन्म ले लिया ठीक है हाँ।, हाँ, तीन साल में जीव दूसरी जगह जन्म ले लेता है तो वहाँ तो क्या दुखी ये नहीं सोचना की वो हमें देख दुखी हो रहा होगा ठीक है अच्छा, हम दुखी हैं तो ओके हाँ ये आ, आ जाती है ऐसा हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं वो देखिए आप हमें आ, अच्छे से रखे आप हमारा ध्यान रखे ऐसे बोलते रहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ये मिथ्यात्व हो जाएगा क्योंकि हाँ जो जीव चला गया उसने दूसरी जगह जन्म ले लिया हमें कितना पुराण में पढ़ रहे हैं राइट ये अगला जन्म जो उन्होंने ले लिया दूसरा परिवार मिल गया वो वहां पर जाकर हो सकता है जिस भी गति में है देव में है जिस भी गति में है राइट उनका अपना एक परिवार है वहां पर बिल्कुल, बिल्कुल और आप सोचिए आप यहाँ उन्हें देखकर दुखी हो रहे हैं कि वो आ, होते तो ये होता वो होते तो ये होता आ, राइट, आप अब अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचिए बिल्कुल और हाँ तो आप और कुछ नहीं तो इस रिकॉर्डिंग को दोबारा दोबारा सुन सकते हैं कई बार हाँ। क्या है कि हम जब दुखी होते हैं तब हमें याद नहीं रहता कि हम क्या सोचे कुछ हाँ। समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आप इसको अलग से रख सकते हैं ये सोचकर कि मुझे रिमाइंड कराएगा ठीक ओके अच्छा रिकॉर्डिंग्स भेज रही हैं आप भेज क्या अभी मेरे को नहीं दिखी आई अपलोड ड्राइव पर